हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ लहंगे पे हम लोग कुर्ती बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने अम्ब्रेला कट लहंगा बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये हमें स्टेप वाली कुर्ती बनानी है जो हम 7 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हमने उसके लिए स्टेप लिए हैं 7 इंच के। ये हमें 2 स्टेप लेके अलग से रेडी कर देने हैं। उसके बाद चोली की जो लंबाई लेनी है, ये लंबाई लिया हमने 7 इंच, शोल्डर 5 इंच और ये यहाँ से 8 इंच का। ये चोली पे हमने 2 इंच यहाँ से लेकर और ये शोल्डर की कटिंग सिर्फ इसमें होगी, इसमें नेक की कटिंग नहीं होगी। और नीचे जो हम लोग इसमें फ्रिल देने वाले हैं उसकी लंबाई ली हमने 9 इंच और इसकी चौड़ाई जो ले रहे हैं हम लोग ये है 21 इंच का डबल, यानी पूरे अर्च के बराबर एक साइड। ऐसे ही हमें 2 पीस निकालने हैं। सेम इसको हमने अस्तर पे भी कच्चा कर दिया है। अस्तर पे कच्चा करने के बाद इस चोली पे भी हम लोग सेम ऐसा ही अस्तर काट के और अस्तर पे भी इसको कच्चा कर दिया। कुर्ती को स्टिच करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको सीधा बिछाएंगे और इसमें क्योंकि हम अंडरग्राउंड सिलाई देने वाले हैं सारी गुम सिलाई में, इसलिए हम इसके बाद इस जगह स्टेप्स को अटैच कर देंगे। हम लोग एक स्टेप यहाँ अटैच करना है और एक स्टेप हमने यहाँ पे इस जगह, यानी आधा आधा इंच हमको मार्जिन का छोड़ के उसके बाद अटैच करना है। अब इसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से बिछा के और ये गोलाई से ये स्ट्रेट यूं लेते हुए हम लोग एक सिलाई लगा देंगे। अस्तर के साथ हमने ये स्टेप अटैच कर दिए, इसमें फिनिशिंग भी हमारी प्रॉपर आती है और धागे वागे भी नहीं निकलते। और यहाँ पे हमने ये प्लेट्स बना के और इसको गेयर को हमने इसमें जोड़ दिया। अब हम लोग इसकी साइड फिट। चोली हमारे पास रेडी है और हम ये बिना लेस की हमने बनाई, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे बारीक लेस भी लगा सकते।